नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस। आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं कल के मार्केट का व्यू और हम जानने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में जो कि कल आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज मेरी आवाज में बहुत ज्यादा दम है, वो दम क्यों है मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। दोस्तों इसी के साथ हम लेने वाले हैं अपने प्रीवियस स्टॉक का परफॉर्मेंस। दोस्तों वाह भाई वाह, आज तो जो GIC हाउसिंग फाइनेंस ने, रिलायंस ने और हमारे चोला फाइनेंस ने, यानी चोला फाइनेंस हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था, इन तीनों ने जो जबरदस्त मूव दिया है, इन सब की परफॉर्मेंस हम जानने वाले हैं कि कैसे हमने इसको दिया था और क्या हुआ। सो दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो का एम रखते हैं 2800 लाइक। आई होप आप कंप्लीट करवा देंगे और कमेंट करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों रिलायंस आज इतना पिटा कि पूछिए मत। आज रिलायंस को आप देख सकते हैं कि कोई बचा ना सका मॉर्निंग में। आप देख सकते हैं 2085 के आसपास से रिलायंस कहां गया था 2047। तो मेरे ख्याल से आपने एक जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया होगा रिलायंस में। दोस्तों बाद में रिलायंस चढ़ा, शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट भी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो हमारा देखो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर गया, तो इसमें कोई पूछने वाली बात है नहीं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गया था, बाद में कहीं भी जाए हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करें GIC हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों GIC हाउसिंग फाइनेंस मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी 12% ऊपर खुला था, इसमें पूरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी था नहीं, बट अगर मान लीजिए किसी ने खुदा ना खास्ता अगर नीचे बाई किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा नीचे से ऊपर के साइड। अगर जो खुलते ही ओपनिंग टिक पे बाई किया होगा, देखो मैं मैसेज में लिखता हूं एक ब्रैकेट में कि आप कॉशियस काम करिएगा, प्राइस एक्शन ढूंढ के काम कीजिएगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल में फॉलो कीजिए हमें, आपको वहां पे दिखेगा, मैं सारे मैसेज में डालता हूं कि जहां पे आपको अपना पैरामीटर बनते हो दिखे वहां पे आपको ट्रेड करना है। अगर आपने यहां पे ट्रेड लिया होता तो आपको एक 4 से 3 रुपए का प्रॉफिट 100% हुआ होता। ठीक है, और बात करें अगर हम चोला फाइनेंस, लाजवाब शानदार चोला फाइनेंस हमने आपको बाय के लिए दिया था और पूछिए मत, आज जो उसने मूवमेंट दिया है लाजवाब। हमने आपको टेलीग्राम पे चार्ट भी शेयर किया था, तो आई होप आपने चोला फाइनेंस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। चलिए हम जान चुके हैं अपने परफॉर्मेंस, चलिए हम समझते हैं निफ्टी के बारे में व्यू। दोस्तों बात करें अगर हम निफ्टी की, अरे क्या बात है, मतलब निफ्टी हमने आपको क्या बताया था, देखिए आपको हमने निफ्टी क्या बताया था कि निफ्टी में करना है बाय, बेचना नहीं है, बाय करना है डिप में। आज क्या हुआ, आज मिला था डिप और हमने बाय किया। आज क्या हुआ दोस्तों, आज डिप मिला और बाय किया गया निफ्टी को, और आप देख सकते हैं कि निफ्टी में क्या शानदार रैली देखने को मिली है। देखिए ये हमने चीजें डिस्कस की थी, हमने आपको बताया था कि देखो भाई आपको जब डिप मिले आपको सिंपल सा बाय करना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आज जो निफ्टी ने शानदार मूव दिया है, पूछिए मत, लाजवाब शानदार। अच्छा अभी कल का क्या सिनेरियो है दोस्तों, देखो कल तो आपको पता है कल आपका क्या है, कल आपका है मंथली और वीकली एक्सपायरी, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे, क्या रणनीति लेके चल सकते हैं आप समझिएगा। अब मान लीजिए कल खुदा ना खास्ता अगर आपको निफ्टी थोड़ा सा नीचे दिखता है, कितने के आसपास आपको दिखता है, अगर 11,500 के आसपास, ठीक है अभी 50 पॉइंट ऊपर है, अगर आपको निफ्टी इसके आसपास दिखता है कितना है दोस्तों, ये लेवल ये 11,500 का है, अगर 11,500 के लेवल के आसपास दिखता है आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, डिप मिले तो आपका फिर से ऊपर साइड टारगेट क्या होगा, 11,550 और 11,600 का टारगेट होगा आपका निफ्टी में। दोस्तों कल आपको पता है, कल देखो वैसे ही मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए निफ्टी आपको डिप देता है 11,440 तक भी, ठीक है तो आप यहां पे बाय करके चल सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं हमने एक चीज पढ़ा है ना, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम करंट सपोर्ट, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये करंट सपोर्ट बन चुका है। तो निफ्टी अगर यहां भी आता है 11,440 तक भी आता है तो भी आप फिर भी बाय करके चल सकते हैं। अगर 11,400 का लेवल सस्टेन हो जाता है नीचे के साइड तो फिर आपको डाउन साइड फ्रेश देखने को मिलेगा निफ्टी में, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर रहे आप बने रहिएगा। ठीक है, डिप मिले अगर खुदा ना खास्ता डिप मिल जाए तो आप बाय करके चल सकते हैं। जान चुके हैं निफ्टी का व्यू, चलिए हम समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आपको एक चीज याद होगा, हमने आपको एक चीज बताया था कल के ही वीडियो में कि
23,200 का एक बार बार बहुत ज्यादा मल्टी टाइम रेजिस्टेंस है जो कि हर बार पार नहीं कर पाता बैंक निफ्टी, ठीक है। जुलाई में भी ये केस हुआ था और इस बार क्या हुआ, इस बार ब्रेकआउट कर चुका है। इसका मतलब क्या है, ये हमने कल ही वीडियो में डिस्कस किया था और आज जैसे ही ये लेवल टूटा है ना, ये कितना 23,200 का जैसे ही लेवल टूटा है आपके सामने रिजल्ट खड़ा है, ठीक है। तो अभी हमको फ्रेश बाय करके चलना है बैंक निफ्टी को, अभी नहीं, डिप मिले तब, ठीक है। डिप कहां तक मिल सकता है, डिप अगर अगर आपको मान लीजिए डिप मिलता है, एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। डिप अगर मान लीजिए आपको मिलता है यहां तक 23,000 तक आपको अगर डिप मिलता है, यानी 23,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक 23,000 के ऊपर है आपको बाय करके चलना है, आपका एसएल कितना होगा 22,900, आप फिर आपका ऊपर साइड टारगेट कितना होगा 23,400 and 23,600 का आपका टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो हम जान चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। चलिए अब हम समझते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं। जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक एक इतना प्यारा जबरदस्त स्टॉक मेरे को दिख रहा है, इसने एक मल्टी टाइम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है। वो मल्टी टाइम रेजिस्टेंस कितना था, 455 का, 455 के हर बार आता है नीचे, आता है नीचे, आता है नीचे, आता है, ठीक है, हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार। आज क्या हुआ है, ब्रेक आउट दे के निकल चुका है। मेरे साथ बोलिए क्या कर चुका है, ये ब्रेकआउट देके निकल चुका है। अब इसका मतलब क्या है, क्या मतलब बोल रहा है ये, अब हमको डिप में बाय करके चलना है। डिप कहां तक मिले तो 455-56 तक, यानी जब तक 455 के ऊपर है आपको बाय करके चलना है। आपका एसएल क्या होगा, 455 का आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। यानी नीचे मिलता है आपको आना है और अपना प्राइस एक्शन फाइंड आउट करके यहां पे आपको बाय करना है। आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपको अपडेट कर दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ सकते हैं, वहां मैं रेगुलर ट्रेडिंग आइडियाज देते रहता हूं और आप लोगों को प्रॉफिट करवाते रहता हूं। भर भर के लोग वहां प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जाइए जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, अगर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है एक्सिस बैंक में, तो भी फिर हमको बाय करके चलना है जब तक 455 के ऊपर रहे। सो हम जान चुके हैं अपना पहला स्टॉक, आइए समझते हैं अपने दूसरे स्टॉक को। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम जाने उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना ना भूलें, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे दूं, आपको पता है हमने जितने भी एनालिसिस किए थे स्विंग ट्रेडिंग के, ठीक है, हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये चीजें ना कहीं और नहीं मिलती, लिटरली टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाइए, बजाज इलेक्ट्रिकल देखिए आप, बजाज इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ है, 12% का आज लगा है अपसाइड रैली। आज एशियन पेंट जाके देखिए, हैवल्स देखिए, अशोक लेलैंड देखिए, दोस्तों एग्जांपल्स की कमी नहीं है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के पास। दोस्तों हम लोगों को प्रॉफिट करवाते आ रहे हैं और करवाते रहेंगे, ये हमारी स्पेशलिटी है और लोगों को वेल्दी बनाते रहेंगे इसी प्रकार की एनालिसिस के साथ। तो अगर आपको भी सीखना और कमाना है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस के साथ बने रहिए। तो जान चुके हैं अपना पहला स्टॉक, चलिए समझते हैं अपने दूसरे स्टॉक को। जो दूसरा स्टॉक है हमारे इसमें उसका नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल। दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल में हमको बाय करके चलना है, क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल ने डबल टॉप का दे दिया है ब्रेकआउट। क्या मैंने बोला, डबल टॉप का ब्रेकआउट। डबल टॉप कितने का लेवल था, ये डबल टॉप का लेवल था 327 का, 327 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस लिया करता था और बड़ा लवली सा ब्रेकआउट दे दिया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बाय करके चलना है। आपका एसएल कितना होगा, अब हम चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, आपका एसएल कितना हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा ये डबल बॉटम, ठीक है, आपका एसएल हो जाएगा यानी क्लोजिंग बेसिस पे ये लाइन। दोस्तों आपका एसएल कितना हो जाएगा, दोस्तों आपका एसएल हो जाएगा 335 का, ठीक है, 335 का आपका एसएल हो जाएगा। अच्छा तो जैसे ही 335 के नीचे निकल जाए आप सिंपल से निकल जाइएगा, बाकी आपका टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम लगा के ये बेस भी बना के बाउंस किया है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, और ये ब्रेकआउट कर दिया इसने। तो लेट अस सी कल क्या होता है। देखिए बाकी जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 335 को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, हल्का फुल्का नीचे भी आ सकता है, मतलब बस मेरा कहने का मतलब ये कि इसका ओवरऑल ट्रेंड अप है। आप 330 को ओवरऑल एसएल भी रख सकते हैं, हो सकता है 335 का एसएल हिट कर जाए, परंतु 330 के जब तक ऊपर रहेगा आपको बाय करके चलना है। तो दोनों चीज हमको इसमें है, बस एक चीज आपको याद रखना है कि हमको उसको बाय करके चलना है, ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है, विद अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 330,
ठीक है। तो आप जान चुके हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के बारे में। आइए हम समझते हैं अपना लास्ट बोनस स्टॉक। जो लास्ट बोनस स्टॉक है उसका नाम है लूमेक्स इंडस्ट्री। दोस्तों लूमेक्स इंडस्ट्री हमको एक लेवल के ऊपर बाय, एक लेवल के नीचे शॉर्ट सेल करके चलना है। कितने के ऊपर बाय करना है आप देख सकते हैं, ये आपका लेवल है। इस ये कितने का लेवल है दोस्तों, ये आपका लेवल है 1655 का। 1655 के जब 10 मिनट के कोई कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर, आप सिंपल सा बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर आप कैसल कितना होगा, आप कैसल हो जाएगा 1645 का, ठीक है। बाकी अगर ये ऊपर ना क्लोज होके इसके बीच में रहता है तो कुछ नहीं करना है। बाकी अगर ये ऊपर ना क्लोज होके ये 1630 के लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है। अगर ये इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर इसको शॉर्ट सेल कर देना है नीचे साइड के टारगेट के। अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे 1630 के नीचे तो आप कैसल कितना होगा 1640 का, ठीक है। तो ये दो हमारे लेवल हैं जो कि हमें लूमेक्स इंडस्ट्री में कल के डेट में फॉलो करना है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आप समझ चुके हैं कल के लिए हमको क्या करना है। और वन मोर थिंग, डिस्क्लेमर दे दूं, कल वीकली मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मार्केट गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, तो स्टे कॉशियस, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, तो संभल के काम करिए, कॉशियसली काम करिए। बाकी टेलीग्राम पे तो हम आपको चीजें अपलोड करते ही रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जोर लेके बताइएगा। बस इसी प्रकार से सीखते रहिए। और देखिए सब बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही सीखिए, मुझसे ही आप मेंटरशिप लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल्स, ठीक है, जो अच्छा सिखा रहे हैं। तो आप जहां से आप चाहते हैं वहां से सीखिए, बस नॉलेज लेते रहिए, आप शॉर्टकट चीजों पे कम काम करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रभात ट्रेडिंग सर्विस को। टिल देन नमस्कार आप सबको।